हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकीएस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिक्स नोट 12 5G में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पैटर्न भी सेट कर सकते हैं, पिन भी और पासवर्ड भी। चलिए हम यहाँ पे पैटर्न सेट कर लेते हैं। पैटर्न पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे एंड देन नेक्स्ट फिर से ड्रॉ करेंगे एंड देन कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट की ऑप्शन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। और अब आपको अपनी फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है। ऐसा आपको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे आपको अपनी फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखना है, उठाना है। आपको इसे पूरा फिल करना है तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक जो है सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फिंगर स्कैन हो चुका है। देन आपको यहाँ पे नीचे फिनिश पे क्लिक कर देना है तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा।